इनका इतिहास ऐसा है जब रामचंद्र जी ने सीता माता को त्याग किया था। नमस्कार दोस्तों, और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है सीतावनी का। शुरू करते हैं। और अभी हम है रामनगर में, ये आप देख सकते हैं पीछे, ये कोसी बैराज है और ये कोसी नदी के ऊपर ही बना है कोसी बैराज, और ये कोसी नदी है नीचे। और थोड़ा लकी जी यार इधर बताना, आप सीतावनी जाएंगे हम, ये ऊपर एक बोर्ड भी लगा है सीतावनी यहाँ से 23 किलोमीटर। और आज हमारे साथ हमारे कुछ नए मित्र भी हैं, और एक तो हैं भूपेश जी। तो भूपेश जी आज सीतावनी चल रहे हैं फिर हम, तो कैसा है फिर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सीतावनी जाएंगे, हम बहुत टाइम बाद जाएंगे। पहले 7-8 साल पहले गए थे बचपन में, आज मेला वेला लगता है बोल रहे हैं मित्रगण, तो काफ़ी भीड़ भी होती है कह रहे हैं, तो जाते हैं इंजॉय करते हैं। अच्छा, और एक और हमारे साथ सामंत जी हैं, तो सामंत जी आप पहले भी गए होंगे वहाँ? हाँ, मैं पहले भी गया था काफ़ी बचपन से, काफ़ी टाइम पहले। चल देखते हैं आज कैसा रहेगा, वहाँ पर काफ़ी चेंजेस हुए हैं। एक बार पाठकोट को गया हुआ तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, रोमांचक है, आपको बहुत सारा व्यू, वर्ल्ड व्यू और वो दिख जाएगा, और आपको वो लोकेशन दिखेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बिल्कुल, सामंत जी ने बताया कि काफ़ी रोचक होगा। और अभी हम बैराज से थोड़ा सा ऊपर को निकले हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक पोस्ट है आगे पे, और बड़ा शानदार रास्ता। और ये है नदी, और यहाँ पे ये टेडर गेट है, ये भी एक कॉर्बेट का एक गेट, टेडा गेट। और यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक भी हैं, और इसके आगे 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 हमारे सहयोगी और हमारी पूरी टीम। बड़ा ही शानदार, और अब हम काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं, बड़ा बेहतरीन, और आसमान भी बिल्कुल नीला, हल्के पहाड़, और यहाँ पे मैदान। और अब थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं हल्का, क्योंकि अब हम रामनगर से थोड़ा ऊपर आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता अब यहाँ शुरू हो गया है, बड़ा ही सुंदर है। और कॉर्बेट का ये जो क्षेत्र है ये पूरा कॉर्बेट का ही है। और अब हम पहुंच चुके हैं सीतावनी का जो गेट है, और गेट का नाम तो खैर भंडारपानी गेट है, और सीतावनी ये जोन है, और ये कॉर्बेट की एक जोन है। और हमारे साथ हैं हमारी पूरी टीम, आज ये आप देख सकते हैं तरुण जी हैं, लकी जी हैं, सौरभ जी हैं, मनराल जी हैं, और भूपेश जी हैं, सामंत जी हैं, और गुरु जी हैं बिष्ट जी। और तो चलते हैं फिर, ले चलेंगे आपको आज इस यात्रा पे। और ये अब हम बिल्कुल जंगल के अंदर हैं अभी, और वैसे तो खैर ये प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, लेकिन आज मेला लगता है तो इस वजह से आज के लिए ये पूरा खोला गया है, और आज लोग श्रद्धालु यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि अंदर मंदिर है सीतावनी सीता माता का, और बड़ा ही खूबसूरत, ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ पेड़ और बीच में रोड। आज यहाँ पे आवाजाही भी है, बहुत सारी गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं यहाँ पे, और कुछ लोग तो अब घर भी जाने लग गए, ये आप देख सकते हैं, और कुछ लोग तो पैदल ही जा रहे हैं यहाँ, कुछ गाड़ियों से तो कुछ पैदल। और यहाँ पे नदी,
नदी को पार करके जाना पड़ेगा। चलो जोश जी। अरे वाह, अरे आराम से आराम से आराम से। और अब नदी को पार करने के बाद लगता है कि अब हम पहुंचने वाले हैं। अब ये लोग दर्शन करके वापस आने लग गए हैं और अब लगता है कि हम भी करीबी हैं। और नीचे बिल्कुल नदी, बड़ा ही शानदार। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। लोगों ने गाड़ी भी पार करी है और लगता है कि बस यहीं तक होगा गाड़ी का रास्ता, और इसके बाद थोड़ा सा जितना भी होगा बस। अब हम पहुंच ही चुके हैं मंदिर में। देखिए दोस्तों, जैसे हम पहुंच गए हैं सीतावनी, तो आप देखिए यहाँ शानदार पार्किंग है, काफी अच्छा है, मंदिर है पूरे जंगल के बीच में। और अभी हम मंदिर गए तो नहीं है, पर लग रहा है बहुत ही अच्छा मंदिर होगा जंगलों के बीच में। चलिए फिर, अब जैसे हम पहुंच चुके हैं सीतावनी मंदिर पे, आज काफ़ी भव्य मेला यहाँ पे लगा हुआ है आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर। देखिए गुंबद टाइप का देख रहे हैं, ऊपर छत्रक टाइप का लगाया है। तो ऐसे मंदिरों को हम नागर शैली का मंदिर बोलते थे। तो ये शायद कत्यूरी शासक द्वारा ही बनाया गया होगा। और ये वाला मंदिर है माता सीता का, ये आप देख सकते हैं सीतावनी, बहुत ही पौराणिक मंदिर और बड़ी मान्यता है यहाँ की। जैसे कि अभी
पंडित जी ने बताया भी था कि यहाँ पे ही लव कुश ने भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थी और यहीं पे उनका जन्म भी हुआ था। और यही है सीता बनी। और यहाँ आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये धारे हैं तीन, ये सीता बनी की। यहाँ पे लोग नहाते भी हैं और नहाने से बताते हैं कि पापों से मुक्ति मिलती है। और ये ऊपर पे मंदिर था और मंदिर के हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं तो यहाँ पे एक तालाब है, बहुत ही खूबसूरत बड़ा सुंदर तालाब ये आप देख सकते हैं। और बिल्कुल ये जो मंदिर है जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच, और ये हमारे सारे सहयोगी। और आज तो खैर भीड़ भी काफ़ी है, यहाँ लोग भी दिख रहे हैं क्योंकि मेला लगा था। और ये है मंदिर, शानदार मंदिर। और ये यहाँ पे तालाब और इस साइड पूरा जंगल, ये आप देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल है। और ये हमारी पूरी टीम घर को लौटती हुई, आते वक्त हम रामनगर वाले रास्ते से सीतामढ़ी आए थे और अब हम ये जा रहे हैं होटावा वाले रास्ते से होते हुए हम घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से भी वैसे जंगल का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ये देखो भैया भी कह रहे हैं लाइक करो। ये था आज का हमारा सीतावनी का सफ़र। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। जय श्री राम। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम सीतागनी के बदलाव आ गए हैं, बहुत ही झप्पर रप्पर हो गए, वरना पहले कुछ नहीं था सीतागनी के।